बट द जर्नी वॉज इंटरेस्टिंग, एक्साइटिंग, हम्बलिंग एंड वेरी अनएक्सपेक्टेड, बट बहुत मजा आया. आई नो. या बोलो नीरो, आपसे पूछना चाहूंगा, जिस तरह मैंने काफी कंटेस्टेंट से पूछा कि कौन सबसे ज्यादा टफ है, कौन सबसे ज्यादा स्ट्रांग है, इनसे भी पूछा था, मेरा नाम लिया, सबने आपका नाम लिया. मैंने क्या नाम दिया था उसको? मछली जल के. आप अगर कुछ बताना चाहोगे किस तरह का आपका सफर रहा है और कितना डिफिकल्ट था आपके लिए, और सबने इतनी तारीफ कर रही है, तो उसके बारे में क्या कुछ कहना चाहोगे? तारीफ वारीफ के बारे में तो मुझे नहीं पता भाई, सही बताऊं तो, क्योंकि सब लोग को लेकर बहुत ज्यादा प्यार है, हम लोग मस्ती मस्ती करते रहते हैं, बाबा लाइचे सब एक दूसरे के पीछे, तो हम लोग एक दूसरे की तारीफ करते रहते हैं. लेकिन बस मैं ये बोलना चाहूंगा कि मैंने हमेशा से लगा कि टीवी का शो है, पता नहीं कैसा होगा और कैसे लोग आएंगे और पता नहीं कैसे कैसे लोग के साथ में बैठूंगा, इन लोग यू नो कितना, इतना कभी किया नहीं, कभी इस दुनिया में था नहीं. बस मैं सिर्फ ये बोलना चाहता हूँ, लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, कि मेरे पूरे लाइफ का बेस्ट 50 दिन था ये, और मैं बहुत बड़ी बात बोलूँ, थैंक्स डियर, आई एम वेरी सीरियस, कि मुझे लगता है कि बदल गया एज अ पर्सन. मुझे लगता है कि बहुत सारी चीज़ें स्टंट वंट जो आप लोग देखते हो, मस्ती मजाक, मीडिया, ये सब तो होता है, उसके अलावा अपने आप को डिटैच करके अननोन जगह पर जाना, अननोन लोगों से मिलना, स्टंट करना, एक्सट्रीम क्लाइमेट में जाकर अपने आप को पुश करना, ये सारी चीज़ें करना, मुझे लगता है कि केप टाउन, खतरों के खिलाड़ी और इन सब लोगों ने, मतलब ऐसा लगता है कि आपके अंदर कुछ तो अनलॉक हो गया और आप बदल गए हो. इट्स लाइक कमिंग बैक फ्रॉम एन आश्रम. सर, आप अक्सर आपकी लाइफ की सिचुएशन पे आप हमेशा, हमने कुछ रैप सुने, अभी आपकी 50 डेज पर आपने कैसा रैप सोचा? क्या बहुत रैप लिखे भाई, तो रैप ही रैप, क्या रैप लिखा है भाई, क्या रैप बनाया, के क्या हो. मैंने लिखा था, सोच रहा हूँ, एकदम थोड़ी आएगा तो क्या था, क्या देख रहा हूँ, मैंने लिखा था कि रोहित सर सब खड़े हैं, वो करते नहीं है भेदभाव, कोई शाना घर बने तो बोलते छोटे देख रहा हूँ, स्टंट मेरा एम, काशिश छेद को मैं भेद पाऊँ, बैच सबसे ऊपर बैठे, हाल ही में एक बड़ा रियलिटी शो एक रैपर ने ही जीता था, तो ये भी शो के रैपर ही जीतने वाले हैं इस बार? नहीं भाई, जीत हार की बात जहाँ पर होती है ना इस शो में, वहाँ पर उसकी प्योरिटी खत्म हो जाती है, क्योंकि शो जीत हार का है नहीं. मैं इन लोगों से मैं क्या कम्पीट करूंगा यार, ये तो साथ में हम लोग बैठे हुए हैं, लेट रहे हैं, खा रहे हैं, मतलब देयर इज नो सेंस ऑफ कि यार कोई सामने तो हराना है, ऐसा थॉट ही नहीं आता, आई स्वेयर नहीं आता. आप अगर जो, और मैं इसे बच्चों मतलब मस्ती के लिए नहीं बोल रहा, मैं बोल रहा हूँ कि जेन्युइनली ऐसा आता ही नहीं है फीलिंग कि यार कोई आपके अगेंस्ट जा रहा है, हम दोनों ने स्टंट किए, एक सर ने मैच जीता हूँ, एक सर ने ये जीता है, लेकिन मुझे कभी जीत की फीलिंग नहीं हुई, मुझे लगा चलो यार स्टंट हो गया, जो भी हो गया मजा आया करके. तो ये शो का नेचर ऐसा है, प्रॉब्ली शायद लोग ऐसे आसपास है. तो यार जैसे डीनो ने कहा, मतलब मेरे लिए इट्स बीन वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंसेस ऑफ माय लाइफ, आई विल नॉट ट्रेड इट विद एनीथिंग एल्स. मतलब आई थिंक एवरीवन हूएवर हैज डन दिस शो हैज कम आउट एज अ डिफरेंट पर्सन, इतना कुछ किया है. इट वाज, मैं और डीनो डिस्कस करते रहते थे, इट्स अ बूट कैंप. And you're paid to do all of it. यार कहाँ तुम्हें चॉपर से कूदने को, हाइट, वाटर, स्टंट्स, मतलब इट्स I still can't get over it. मुझे withdrawals हो रहे हैं Cape Town से यहाँ पे आके, यहाँ पे जैसे हम रह रहे हैं, जैसे अभी अंजलि करी थी, आप चाबी घुसाते हो तो आप सोचते रहते हो लगेगी नहीं लगेगी, खुल जाएगी, उल्टी लगेगी तो टाइम खत्म हो जाएगा. मतलब मैं आया और मैंने बैक रोड पे पहली दिन नहीं क्रेन देखा, और मैंने भेजा स्टोरी भी डाला, मुझे लगा यार क्रेन हाइट स्टंट है, क्या हो सकता है. सो योर माइंड स्टार्ट्स वर्किंग लाइक दैट. बट अगेन हैविंग सेड दैट, इट्स बीन वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंसेस ऑफ माय लाइफ. Cape Town मैंने टैटू करा लिया भाइयों, और ये दिस इज ये ले उसका क्लोज मार बढ़िया. सो दिस इज टेबल माउंटेन, जो केप टाउन की एक बहुत बड़ा बॉडी क्वालिटी एक है कि वहाँ जाओ तो वहाँ टेबल माउंटेन टूरिस्ट स्पॉट, सबसे बड़ा टूरिस्ट स्पॉट है वहाँ. सो तो शरीर पे गुदवाना, मतलब कुछ तो इफेक्ट आया होगा ना. और डीनो वाज दी ओनली वन जो रोज स्टंट के बाद हम सो जाते थे, डीनो अकेले घूमने जाता था, कहां जाता था, हमें सारे कोई आइडिया नहीं. केप टाउन के सारे रेस्टोरेंट जिससे छाट मारे हैं, तो वहां के लोकल अगर मेरे को बोलते थे भाई अच्छा खाना कहाँ मिलता है, मैं बताऊंगा. अंजलि इज अ ब्रो. ये बताएं अर्जी, अच्छा बताएं. I don't think किसी सवाल के आंसर ही मस्त देता है. सारी गॉसिप यही से आ रही है. नहीं, बट जनरली रोहित सर जो इंजेक्शन देते थे वो ताकि इसलिए देते थे ताकि लोग स्टंट बेटर करें, हमें भी मिला है, सबको मिला है, मुझे भी मिला है, बट सबको मुद्दे पे ही डांट पड़ी, ऐसे रैंडमली नहीं पड़ी. बट
और डांट ऐसी नहीं थी कि वो डांट दिया उन्होंने, वो डांट ऐसी थी कि यार क्या कर रहा है करना यार, उनको पता है आप कर सकते हो पर आपको कुछ चीज रोक रही है तो ये लो इंजेक्शन करो। हाँ नायरा को, नायरा को एक बार डांट पड़ी थी, नायरा ने एक स्टंट में कुछ तो किया था, वो सुन नहीं रही थी रोहित सर की स्टंट टीम की, तो उसको एक बार अच्छा नायरा यही सब कुछ सुन रही हूँ मैं, मुझे भी पड़ी थी, वो दूसरा था, वो हम बोल नहीं सकते यार, सबको पड़ी है। हाँ, सबको थोड़ा थोड़ा मिला। और सॉरी मैं एक और भी बात कहना चाहता हूँ, रोहित सर से ज्यादा ऐश्वर्या से लोगों को डांट पड़ी है, क्योंकि ऐश्वर्या लोगों को डांटती है, शुरू मुझसे हुआ था, शुरू डीनो से डांट रही है। थापा चापा थापा छापा, हमें नहीं पता आप क्या बोल रहे हो, हमें नहीं पता आप थे केपटाउन में। सबसे डिफिकल्ट स्टंट कौन सा था भाई? करंट, तो आप कहना क्या चाहते हो कि दिनों टॉप थ्री में नहीं है? चॉपर आते थे तो हम एक से पहले उसको जवाब तो देना दो, क्या 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 सॉरी, सबसे डिफिकल्ट स्टंट जो चॉपर आते थे एक तरफ, वो सब एक तरफ था जो डायनामिक्स और हल्ला करूंगा यार तुम थोड़ा आवाज एक मंडली, सो वो एक तरफ था, और करंट स्टंट मैच मुझसे बिल्कुल झेला नहीं जाता था, पता नहीं अरिजीत ने दो तीन बार किया उसने, पता नहीं कैसे किया, और वो कैमरे में जब कैप्चर होगा और सब लोग हंसते थे उसको, लेकिन लेकिन क्या 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 ऐश्वर्या का थ्रेशोल्ड अच्छा था करंट का, ऐश्वर्या करंट मतलब पता नहीं कि इलेक्ट्रिशियन थी पहले वो क्या करती थी ऊपर वाले को पता है, वो करंट झेल लेती थी यार, देती भी है लेती भी है। ऐश्वर्या यार थैंक यू।